नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन किसान के आंदोलन के तहत ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी, जिसमें इन्होंने जमकर उत्पात मचाया था। गाड़ियां तोड़ी गई, पुलिस पर तलवार और डंडे से हमला किया गया, महिला पुलिस वालों से छेड़छाड़ भी किया गया। आपको बता दें, दिल्ली और आसपास के कई राज्यों में चल रहे किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे हो गए हैं। इसके बावजूद इसमें और ईंधन झोंकने की कवायद जारी है। वहीं किसान आंदोलन में शामिल संगठनों के नेताओं के एक दूसरे पर आरोप लगने के वीडियो भी लगातार वायरल किए जा रहे हैं। अब एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चढ़ूनी ने राकेश टिकैत पर किसान आंदोलन बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह बीजेपी के गोद में बैठे हैं। पहले आपको बता देते हैं कि वीडियो में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने क्या कहा है। जो संगठन सरकार से बात करने के लिए जा रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इन किसानों पर रहम खाएं और किसानों को ना बेचें। बहुत से किसान संगठन अपने निजी फायदे के लिए अपने संगठन को बेच रहे हैं। अब टिकैत भी किसान आंदोलन को अपना आंदोलन बता रहे हैं, जबकि टिकैत साहब बीजेपी के गोद में बैठे हैं। उनकी हरियाणा का प्रधान भी बीजेपी की गोद में बैठा है। ये वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने राकेश टिकैत पर काफी गंभीर सवाल उठाए। वहीं किसान आंदोलन में अब सिर्फ एक ही नाम सामने आ रहा है, वो है राकेश टिकैत का। किसान आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये आंदोलन राकेश टिकैत के इधर उधर घूम रहा है। तो ऐसे में क्या अब इनके आपस में फूट पड़नी शुरू हो चुकी है? क्या ये अब आपस में ही एक दूसरे के पत्ते खोलेंगे? अब तो जैसे जैसे ये आगे आंदोलन टूटेगा, हमें और चीजें देखने को मिलेंगी। वहीं आपको बता दें, ये वीडियो वायरल होने के बाद गुरनाम सिंह ने कहा कि ये काफी पुराना वीडियो है और अब वह राकेश टिकैत के साथ है। उन्होंने भाजपा IT सेल पर पुराने वीडियो का इस तरह से वायरल कर आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अब भाई, वीडियो वायरल हो गया और लोग समझने लगे कि इनके बीच फूट पड़नी शुरू हो चुकी है, तब गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बयान दिया कि अब ये वीडियो पुराना है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।